दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि Realme 17 नवंबर को चाइनीज मार्केट में अपने Realme 10 Pro सीरीज को लॉन्च करने वाला है। बट दोस्तों, उससे पहले आज ही Realme ने चाइनीज मार्केट में अपने Realme 10 5G को अनवील कर दिया, ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग वगैरह बाहर निकल आ चुकी है, कन्फर्म स्पेसिफिकेशन बाहर निकल आ चुकी है, मतलब हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ Realme 10 5G से रिगार्डिंग। जैसे इंडिया मार्केट में कब लॉन्च होगा, इंडिया मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग वगैरह होने वाली है, हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहां पर Realme 10 5G के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों, यहां पर जो आपको 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाकर दिया गया है। अब दोस्तों, सामने की तरफ जो वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लाकर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो यहां पे ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं, जहां पर जो प्राइमरी कैमरा वो यूज करा गया है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूज करा गया है, थर्ड कैमरा सो कॉल्ड AI लेंस वाला चिप दिया गया है, मतलब Realme पता नहीं किस धार में बह रहा है। 5000mAh की बैटरी है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, एंड यहाँ पर जो आपको 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek की तरफ से Dimensity 700 चिपसेट यूज करा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो चिपसेट है 5G मॉडम को सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन भी जो है 5G बन जाता है। एंड यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे जैक भी देखने को मिल जाता है, डुअल सिम का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड ये स्मार्टफोन जो है Realme Y3 पर रन करेगा, जो कि आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी Realme 10 5G की। अब इसके हम प्राइसिंग के बारे में बात करें तो देखिए, चाइनीज मार्केट में जो इसका बेस वेरिएंट है वही आपको देखने को मिलता है 8GB RAM प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी जो प्राइसिंग है चाइनीज मार्केट में रखी गई है 1299 yuan। जी हाँ, 1299 yuan, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल करता है अप्रॉक्सीमेटली 14,500 रुपये के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 14,500 में ये स्मार्टफोन लॉन्च करा गया। अब देखिए, घबराने की बात नहीं है, इंडियन मार्केट में आएगा तो इतनी हाई प्राइसिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 8 प्लस 128 लॉन्च करा गया है चाइनीज मार्केट में, जिसकी प्राइसिंग 14,500 के आसपास है। तो आप मानकर चलिए कि जब ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आएगा तो इसकी प्राइसिंग जो है 13,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और जो कि होगा बेस वेरियंट 4+64 का। जी हाँ, ऐसे ही कुछ रियलमी लॉन्च करेगी 4+64 के साथ में, और 13,000 के आसपास इसकी बेस वेरियंट का प्राइसिंग होगा। और अगर मैं आपसे इसके इंडिया लॉन्च करने की बात करूँ तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन इसी साल आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। Realme 10 4G और Realme 10 5G में भी चांसेस है कि एक साथ ही आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाए, अगर सब कुछ सही रहा तो। नहीं तो अगले साल तो हमें जनवरी के महीने में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% श्योरिटी है। तो बस दोस्तों, यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Realme 10 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ चलिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।